सो गाइज, आज है नेक्स्ट डे, यानी कल हमने एक्सप्लोर किया गोल्डन टेम्पल को एंड अभी बज रहे हैं 11। नहा के हो चुका हूँ, रेडी, शूज़ वगैरह सारे ओके रिपोर्ट है एंड अब हम निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जाएंगे केसरदार ढाबा पे, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है एंड वहाँ पे जाके हम टेस्ट करेंगे यहाँ का अमृतसर का फेमस पराठा विद अमृतसरी दाल एंड छोले। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलेंगे जलियांवाला बाग की तरफ और उसके बाद का जो प्लान है वो आगे चलते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब रूम से निकलते हैं। सरदार ढाबा है, इसका डिस्टेंस था 1.5 किलोमीटर एंड मैंने नेविगेट लगा लिया फ़ोन के अंदर नेविगेशन, बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे गलियाँ क्या काफ़ी पतली है तो जीपीएस का नेटवर्क काफ़ी वीक रहता है। तो लगभग 15 से 20 मिनट तक इधर उधर घुमाया मेरे को, घुमाने के बाद फाइनली डेस्टिनेशन पे ले आया। ये खासियत है गूगल की, इधर उधर घुमाने के बाद डेस्टिनेशन पे ज़रूर ले आता है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, ये रहा इनका जो मेन्यू का कार्ड है। ऑर्डर का इनका एक खासियत है कि 12 बजे स्टार्ट होता है, मेरे को मालूम नहीं था ये, अभी 12 बजने में थोड़ा टाइम है, 11:47 हो रहे हैं। तो इनका क्या है, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलता है। अभी मैंने भैया से कंफर्म किया तभी, यहाँ पे रश वगैरह कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी, लोग अभी आए नहीं हैं। तो देखते हैं आगे क्या कुछ हम मंगवाते हैं, क्या ऑर्डर करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया है, करना तो ब्रेकफास्ट आया था बट वो थाली का साइज़ इतना ह्यूज था कि ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच भी हो गया। कहने को तो दो पराठे ही थे बट उनका जो साइज़ था वो 4 से 5 चपाती के बराबर था अगर उनको मैच करें तो। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गाइस, टेस्ट जो था ना, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। वैसा टेस्ट गाइस आज तक मैंने नहीं चखा, स्पेशली पराठा का। एंड जो फेमस दाल फ्राई था वहाँ का एंड उसके साथ में चना, दोनों ही अमेजिंग थे। इसका टेस्ट अब मैं वर्ड्स में तो बता नहीं सकता, अगर आपको गेस करना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा। और यहाँ आने के लिए ये जो गलियाँ हैं इनका साइज़ देख लीजिए आप, बिल्कुल छोटी से छोटी। अगर गाड़ी वगैरह पे आएंगे तो प्रॉब्लम होगी, आ ही नहीं पाएंगे, तो बाइक से या फिर अगर पैदल आते हैं तो गोल्डन टेम्पल से ये लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 15 से 20 मिनट का रास्ता है आराम से, अगर आपको पता हो तो। गूगल मैप के भरोसे आएंगे तो फिर कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि गूगल मैप ने मुझे इन गलियों के अंदर उलझा के रख दिया। तो अब जा रहे हैं जलियांवाला बाग की तरफ। अभी हमने एंटर किया यहाँ सामने वाले इस वाले गैलरी से एंड अंदर आते ही वहाँ बोर्ड्स लगे थे जो कि मैंने पीछे वीडियो के अंदर दिखा दिए। एंड वहाँ से जैसे इधर राइट आएंगे तो यहाँ पर अमर ज्योति जल रही है। सो गाइस, पीछे मेरे है अमर ज्योति, यहाँ पे रश काफ़ी लगा हुआ है बट एक साइड में आके मैं यहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अब
देख सकते हैं ये हर टाइम जलती रहती है 365 डेज। ये वाले जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं ये सारे उसी टाइम के हैं जब यहाँ पे गोलियाँ चलाई गई थी, तो इन पे काफ़ी सारे निशान अभी पड़े हैं गोलियों के, मैं दिखाता हूँ आपको। गाइज इस दीवार पे गोलियों के 1500 राउंड फायर किए गए थे, अब देख सकते हैं पीछे तक। गाइज अभी पूरी तरह से ये ओपन नहीं है, इधर आप देख सकते हैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो जो शहीदी कुआ था वो अभी हम नहीं देख पाए, तो जितना भी कैप्चर हुआ मैंने आपको दिखाया, बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आएंगे तो सारा डीपली यहाँ पे विज़िट करेंगे। ये जो मार्केट देख पा रहे हैं आप, ये जलियांवाला बाग मार्केट है, यानी उसके जस्ट सामने ही ओपन में है सारा। जिस तरीके से शिमला वगैरह में जो मॉल रोड होती है सेम वही वाला सीन है। यहाँ पे व्हीकल्स वगैरह नहीं ला सकते हम, पैदल वॉक करके इसे हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है। जलियांवाला बाग से लिया है मैंने ये बाइक पे बांधने के लिए। ओए होए होए, इतनी गर्मी और ऊपर से जलियांवाला बाग का ये हाल, कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा है, तो आधा तो बंद ही पड़ा था, आधा जहाँ पे ओपन था वहाँ वहाँ हम गए एक्सप्लोर किया, बट मेन जो शहीदी कुआ था उसके चारों तरफ बाउंड्री लगी हुई थी, तो दैट इज़ वाई हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए। एंड अब मैं रूम पे आया हूँ बैग वगैरह छोड़ने के लिए, क्योंकि गूगल पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि वाघा बॉर्डर के ऊपर आप क्या है पैकेज्ड बैग वगैरह बैकपैक वगैरह नहीं ले जा सकते। मेरे पास बैग था तो सारा सामान यहाँ छोड़ के जाएंगे, अभी सिर्फ एक हेलमेट लेके जाऊँगा मैं। चलते हैं वाघा बॉर्डर की तरफ, टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, तो ऑनलाइन तो पढ़ा था मैंने कि 3 बजे पहुँचना ज़रूरी है, बाद में वहाँ पर जगह नहीं मिलती है बैठने की। चलते हैं वाघा बॉर्डर की तरफ।